हे दोस्तों, अगर आप 12 महीने के गोल्स को बस 12 हफ्ते में अचीव करना चाहते हो, मतलब इस पूरे साल में आपने जो सोचा था कि सारे गोल्स जो आप पूरे करोगे, या फिर पिछले साल आपने जो भी गोल सोचे थे, अगर आप चाहते हो कि आपको मालूम पड़े कि वो सारी चीजें बस 12 हफ्ते में आप पूरी कर पाओ, कैसे कर सकते हो, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ज्यादा ढांसू और पावरफुल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ना हम पूरे साल को रीडिफाइन कर देंगे। आप अपने एक साल को 4 साल बना सकते हो आज के वीडियो की बातें अगर आप सीख लो तो। बस आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सारी बातें मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो ऐसा मत करना कि यार इसकी वैल्यू आप कम करो। यही नॉलेज है ना, लोग कोर्सेज में बेच के लाखों रुपए कमाते हैं। मैं यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, बट प्लीज इसकी वैल्यू करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ऐसी अमेजिंग बुक्स की बातें फ्री में सीखते रहने के लिए सीकेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सीकेन इंडिया के सबसे टॉप चैनल्स में आ सके, और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए रहेगी, बस वो कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट। रमेश बहुत ज्यादा सैड था जब वो अपने ऑफिस से निकल रहा था। आज उसने सबको बाय भी नहीं बोला, और ये चीज़ थोड़ी अजीब थी, बिकॉज यूजुअली जो रमेश था ना, वो बहुत खुशमिजाज टाइप का लड़का था, हमेशा हंसी मजाक करता रहता था, सबसे बातें करता हुआ जाता, बट आज कुछ ऑफ लग रहा था। तभी अभिषेक, जो उसका थोड़ा अच्छा दोस्त था, वो उसके साथ ऑफिस के बाहर चला गया, और बाहर जाके उसने पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक? यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? क्या हुआ तू बताएगा? भाई मैं जिस घर में रह रहा था ना, सडनली उसका रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और उसने मुझे 4 महीने का ही टाइम दिया है। अगर मैं उसका रेंट बढ़ा के नहीं देता हूँ तो उसने घर खाली करने की वार्निंग दी है। अब सच बोलूँ तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पापा की इनकम मिला के भी इनफ नहीं हो पाएगा, प्लस EMI का कर्जा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। देख फिकर मत कर, सब ठीक होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन पक्का निकलेगा, हिम्मत रख। इसके बाद वो चला जाता है। ना रात में रमेश सोने की कोशिश कर रहा होता है, इधर से उधर मचल रहा होता है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती है टेंशन से। तभी रात के 2 बजे अभिषेक का कॉल आता है। वो एक्साइटेड होके रमेश को बोलता है कि तुझे पता है अभी क्या हुआ? अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तभी मुझे तुझसे रिलेटेड एक वीडियो का रिकमेंडेशन आया। वीडियो में बताया गया था कि कैसे एक इंसान अपने एक साल के गोल्स को 12 हफ्ते में पूरा कर सकता है, मतलब 3 महीने में। और ये रिकमेंडेशन देखते ही मुझे लगा कि यार ये तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखा, और ट्रस्ट मी बहुत पावरफुल वीडियो लगा यार। हाँ मुझे पता है कि तुझे बुक समरी, सेल्फ हेल्प, ये सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट बुक्स की बातें पढ़ पढ़ के मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं, और मैं तुझे रिकमेंड करूंगा कि यार तू भी ये बुक पढ़ ले। तब रमेश कन्फ्यूज होके ही बोलता है कि यार इतनी रात में भी बुक का क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोल रहा है तू? तू फिकर मत कर, मैंने सारी बातें सीख ली है, मैं तुझे कल आके अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? अब अगले दिन अभिषेक है ना, अपने हाथ में कुछ नोट्स लिए हुए रमेश के पास जाता है और उसे बताता है, कल जो मैंने वीडियो देखा था ना यार, वो बहुत पावरफुल है, और मुझे लगता है कि तेरे पास 4 महीने हैं, और उस वीडियो में बताया गया था कि कैसे तू 3 महीने में अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, और प्रैक्टिकली मुझे बातें बहुत पावरफुल लगी, तो तू इस बातों को ना सीरियसली ले, समझ? ठीक है चल बता क्या बात है। जो वीडियो मैंने देखा था ना, वो एक बहुत ही अमेजिंग बुक की बात है, जिस बुक का नाम है 12 वीक ईयर। 12 वीक ईयर, ये क्या होता है भाई? वही तो तुझे बताने आया हूँ। इस बुक में ना कई सारी अमेजिंग बातें हैं, जो मैं तुझे अभी एक स्टेप बाय स्टेप करके इस नोट्स के थ्रू बताने वाला हूँ, तू उस बातों को एकदम अच्छे से समझना, और पक्का दिख तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बता, तो क्या सीखा तूने बुक से? देख मैंने जो कल वीडियो देखा ना, उसमें मैंने ये सीखा, जो 12 महीने के गोल्स होते हैं वो बस आप 12 हफ्ते में पूरा कर सकते हो। इस बुक का पूरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने सालों को है ना, अपने जितने साल है जिसमें 12 महीने होते हैं, उसे हम डिवाइड करके 12 हफ्तों का ईयर बना दे, मतलब 3-3 महीने का एक साल। आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर दो, और जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट कर दोगे तो ये चीज़ बहुत पावरफुल होती है। इस बुक में ना ऑथर एक पीरियडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो बोलते हैं ना, कई बार जो प्रोफेशनल एथलीट्स भी होते हैं ना, वो लोग एक स्किल पे एट ए टाइम 4 से 6 हफ्ते ही काम करते हैं, और उसके बाद वो लोग दूसरे स्किल्स पे फोकस करते हैं। ऐसे ही कई बार जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस भी होते हैं, उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि लोग है ना, जितना काम पूरे साल में अचीव नहीं करते हैं, उतना सिर्फ लास्ट के 3 महीने में अचीव कर लेते हैं। और ये चीज़ देख तूने भी नोटिस किया होगा ना रमेश, हमें भी जब स्कूल या कॉलेज में प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो हम लोग पूरे महीने टाइम पास करते थे, लेकिन आखिरी के कुछ हफ्ते या कुछ दिन में ही सारा काम खत्म कर डालते थे। हाँ यार ये बात तो सही है, ऐसा हुआ है। वेल, यही चीज़ है ना ऑथर 12 वीक ईयर में समझाने की कोशिश कर रहा है। ऑथर बोलते ना, अगर हम लोग 12 महीने को सिर्फ 12 हफ्ते का साल बना दे तो इससे बहुत पावरफुल चीज़ें होगी, 3 स्पेसिफिक चीज़ें। पहली चीज़, ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी। देख रमेश तूने नोटिस करा होगा कि अगर हम लोग कुछ प्लान बनाने होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार अगले 3-4 महीने बाद हम लोग गोवा जाएंगे, तो वो प्लान यूजुअली इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बट अगर हम लोग ऐसी सडनली प्लान बना लेते हैं कि यार अगले हफ्ते ही गोवा जाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि वो अगले हफ्ते वाला प्लान सक्सेस हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, तेरे साथ भी हुआ होगा बराबर? हाँ हाँ मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। वही चीज़ है,
जब हम लोग 12 हफ्ते का ईयर बना लेते हैं तो यहाँ पे प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम कम टाइम में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा फायदा इससे ये होता है इंक्रीज्ड फोकस, क्योंकि हमारे पास कम टाइम होता है, हमारा फोकस इंक्रीज हो जाता है कि यार बस इतने टाइम में काम को खत्म करना है। और तीसरा, यहाँ पे एनहांस स्ट्रक्चर मिलता है, हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मिल पाता है जिसके बेसिस पे हम काम कर पाएंगे। एक साल है ना, कई बार काफी लंबा टाइम हो जाता है फोकस करके काम करने के लिए, लेकिन 12 हफ्ते है ना एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है, ये ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है, एक अच्छा प्लान क्रिएट करने के लिए। बट हाँ, इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई करके रिजल्ट अचीव करने के लिए ऑथर इस बुक में समझाते हैं, जो मैंने वीडियो में भी सीखा था, कि हमें ना इसके एग्जीक्यूशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन सिस्टम मतलब क्या? देख, एग्जीक्यूशन सिस्टम में ना 3 प्रिंसिपल्स आते हैं और 5 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन आते हैं, जो अगर हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो पक्का हम अपने कोई भी 12 महीने के गोल को 12 हफ्ते में कर लेंगे। तो मैं अभी एक काम करता हूं, तुझे वही बताता हूं, ठीक है? हां हां यार, रुका क्यों है, बताना। तो पहले आते हैं हम 3 प्रिंसिपल्स पे। 3 प्रिंसिपल्स में से पहला प्रिंसिपल है जो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तू चाहता है कि 12 हफ्ते में तेरे गोल्स अचीव हो, पैसे कमाने के या जो भी तू सोच रहा है। तो उसके लिए पहली चीज जो चाहिए तुझे वो है अकाउंटेबिलिटी। देख, तेरे घर का रेंट बढ़ चुका है, अब ये होने के बाद तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू उस रेंट वाले को गाली दे, ऊपर वाले को कोसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, दुनिया भर को ब्लेम करे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि तू उस चीज की अकाउंटेबिलिटी ले ले कि यार जो होना था वो हो गया, अब मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, मैं उस चीज पर फोकस करूंगा। देखो, ज्यादातर लोग जब लोगों के साथ बुरा कुछ भी होता है तो वो लोग सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से हटा के ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार वो ओनर इतना कमीना है, खराब है, जितने पैसे बढ़ा रहा है, ये दुनिया ही खराब है, ये वो। जबकि जो चीज उन्हें करनी चाहिए वो है अकाउंटेबिलिटी लेना कि अब कैसे वो उस इशू को हटा सकते हैं। पहली चीज जो तुझे करनी पड़ेगी अगर तू चाहता है कि 12 हफ्ते में तेरे गोल्स कंप्लीट हो जाए, तो पहली चीज कर कि अपनी अकाउंटेबिलिटी ले ले। ठीक है भाई, डन। दूसरी चीज, अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद जो सेकंड चीज पे, सेकंड प्रिंसिपल पे फोकस करना पड़ेगा वो है टू हैव कमिटमेंट, एक ऐसा प्रॉमिस जो तू अपने आप से लेता है ना। इसके ऊपर है ना वीडियो में एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई गई है ऑथर की, जहां पे ऑथर ने खुद एक बहुत अच्छा कमिटमेंट लिया था। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज चल रहा था, समर की छुट्टियां चल रही थी जब ऑथर अपने घर गए थे और वहां पे वो अपने डैड से बात कर रहे थे। बातों बातों में मालूम पड़ा कि उनके जो डैड थे ना वो ऑथर के मार्क्स से बहुत ज्यादा नाखुश थे, क्योंकि ऑथर डीन्स के लिस्ट में आ चुके थे। डीन के पास 2 लिस्ट थी, एक जो अच्छे लोगों की लिस्ट होती थी और एक जो एकेडमिक प्रोबेशन वाले लोग थे, मतलब जो अच्छा नहीं कर रहे थे, और उस लिस्ट में ऑथर का नाम आ चुका था। ये बात से ना उसका जो ऑथर के फादर थे बहुत बुरा फील कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी मेहनत से उनके लिए फीस जमा कर रहे थे। वहाँ की ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके ट्यूशन फीस जमा कर रहे थे। बट जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा उस चीज़ के लिए एफर्ट ले रहा ही नहीं है और इतने खराब मार्क्स लेके आ रहा है, तब वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सैड थे। और उनके फादर ने तो सीधा बोल दिया कि देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फीस जो इतनी ज़्यादा है वो कंटिन्यू देते रहूँ तुमको, तो तुमको अपने रिजल्ट इम्प्रूव करने पड़ेंगे, वरना मैं नहीं भरूंगा तुम्हारी फीस। नाउ ये चीज़ ऑथर को काफ़ी बुरी लगी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ, उनकी फादर की बात भी जो है वो सही है एक तरीके से, इसीलिए उन्होंने प्रॉमिस किया अपने आप से, एक कमिटमेंट किया कि अब वो स्कूल वापस जाएंगे और हर सब्जेक्ट में ए लेके आएंगे। प्लस ये जोश देके उनके डैड ने एक कमिटमेंट और दिया, उन्होंने कहा कि अगर तुम हर सब्जेक्ट में ए लेके आओगे तो मैं तुमको $500 दूंगा, बट अगर तुम नहीं लेके आते हो तो तुमको मुझे $500 देना पड़ेंगे। और ये चीज़ की वजह से उनका कमिटमेंट लेवल और स्ट्रांग हो चुका था। इसके बाद जब वो वापस स्कूल गए तो अब उन्होंने ना यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हुए ना वहाँ से, वो अपनी क्लास गए, उन्होंने नोट्स लिया, लेक्चर लिया, अच्छे से पढ़ाई करी, एंड गेस व्हाट, सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने ए लेके आए। उस दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि बात $500 जीतने की नहीं थी, बात उनकी थी कमिटमेंट की, कि एक बार जब कोई इंसान दिल से कमिटमेंट ले लेता है तो फिर उसके लिए कोई भी चीज़ अचीव करना इतनी मुश्किल नहीं होती जितने पहले होती है। और उसके ऊपर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोड भी शेयर करते हैं ऑथर, कि व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग यू डू इट ओनली व्हेन सर्कमस्टेंसेस परमिट, बट व्हेन यू आर कमिटेड टू डू समथिंग यू एक्सेप्ट नो एक्सक्यूज ओनली रिजल्ट्स। इसलिए दूसरी चीज कर कि तू कमिट कर कि तू आने वाले 3 महीने में अपनी लाइफ को पक्का कैसे भी करके बदलेगा ही बदलेगा, एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए जो करना पड़े तू करेगा। हाँ यार, ये बात तो एकदम सही है, और मैं पक्का कमिट करता हूँ कि मैं 3 महीने में कुछ एक्स्ट्रा बाहर का काम करूंगा, फ्रीलांसिंग ही कर लूंगा, लेकिन पक्का ज्यादा पैसे कमाऊंगा। राइट। इसके बाद आता है थर्ड प्रिंसिपल, वो है ग्रेटनेस इन द मूवमेंट। माइकल फिल्म्स के बारे में शायद तूने सुना होगा, अरे वही जिन्होंने 18 गोल्ड मेडल्स, कई सारे ओलंपिक्स जीते हैं, वर्ल्ड के आप बोल सकते हो बेस्ट स्विमर है। तेको क्या लगता है माइकल फिल्प्स जो है वो कब ग्रेट बना? मैक्सिमम लोगों को लगेगा ना कि वो ग्रेट तब बना जब उसने 18 गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स या फिर इतने सारे ओलंपिक के मेडल्स जीते, तब वो ग्रेट बना। बट ये सच नहीं है। बुक में ऑथर बताते हैं
कि माइकल फेल्प्स का ग्रेटनेस का मोमेंट तब नहीं था जब उसे गोल्ड मिला, बल्कि तब था जब वो एफर्ट्स ले रहा था, जब वो डेली ट्रेनिंग कर रहा था, घंटों पूल में जाके प्रैक्टिस कर रहा था, सही टाइप का खाना खा रहा था। वो करने के बजाय जो उसका सिर्फ मन करता है, उसने वो किया जो जरूरी था, और उसी को बोलते हैं ग्रेटनेस इन द मोमेंट। और गोल्ड मेडल तो सिर्फ एक एविडेंस था कि हाँ वो ग्रेट था, जबकि ग्रेटनेस वाली चीजें वो पहले से ही कर रहा था। और यही चीज तुझे भी समझनी चाहिए, 3 महीने बाद क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि तू डेली बेसिस पे क्या एग्जीक्यूशन कर रहा है, और डेली जो तू चॉइसेस लेता है, एक्शंस लेता है, वही तुझे ग्रेट बना देगा। और एक बार तू ग्रेट बन गया तो रिजल्ट तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ये सारी बातों ने तेरी मेंटेलिटी तो स्ट्रांग कर दी होगी, बट अब बात आती है एक्चुअल एग्जीक्यूशन की, कि करना क्या है, ग्रेटनेस अचीव कैसे करनी है। तो उसके लिए 5 disciplines ऑफ एग्जीक्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ यार, फटाफट बता कि अब मैं एक्शन क्या ले सकता हूँ, क्या क्या एक्शन मुझे स्टेप बाय स्टेप लेने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज जो तुझे करनी पड़ेगी वो है विजन क्लियर करना। विजन बेसिकली क्या होता है, एक क्लियर पिक्चर ऑफ द फ्यूचर जो तू आज ही देख रहा है। और विजन बनाते वक्त तुझे 3 time horizon को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पहला टाइम होराइजन है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन। यहाँ पे तू रमेश अपने आप को सोचना स्टार्ट कर कि तू 5, 10 या 15 साल बाद कैसा दिखना चाहता है, तू कौन सी गाड़ी खरीदेगा, तू क्या काम कर रहा होगा। ऐसे एक विजन क्रिएट करने की कोशिश कर कि तू अपने आप को 10-15 साल में कैसा देखना चाहेगा। ये हो गया तेरा लॉन्ग टर्म विजन। फिर आ जा मिड टर्म गोल्स पे। मिड टर्म गोल्स यूजुअली वो होते हैं जो आने वाले कुछ सालों में तू अचीव करना चाहता है, और इसमें कई सारे गोल्स आ सकते हैं जो तेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हो या बिजनेस रिलेटेड हो। इसके बाद थर्ड आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन के लिए, जो है हमारे 12 हफ्ते के गोल्स। उसका एक विजन क्रिएट कर कि तू 3 महीने बाद कैसा अपने आप को देखना चाहता है। अच्छा तू बता, तू 12 हफ्ते में क्या अचीव करना चाहता है? कि यार अगर 12 हफ्ते में मैं कैसे भी लाखों रुपए कमाने लग जाऊं तो बहुत मजा आ जाएगा। लाखों में कितने लाख, एकदम स्पेसिफिक बताओ। अगर मैं 5 लाख कमा लूं आने वाले 3 महीने में, मतलब 12 हफ्ते में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे जो है प्लानिंग। प्लानिंग हमें क्यों करना है, क्योंकि देख कई बार हम विजन तो बना लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, बट वो विजन में क्लैरिटी नहीं होती है, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती है हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। इससे दूसरी चीज जो करनी पड़ेगी वो है क्लैरिफाई करना पड़ेगा अपने सारे टॉप प्रायोरिटी टास्क को, उस 12 हफ्ते के विजन को, गोल को पूरा करने के लिए। और इसके लिए यहाँ पे तुझे सोचना है कि तुझे 12 हफ्तों बाद क्या क्या चीजें अचीव करनी है, और वो गोल को अचीव करने के लिए तू कौन से टैक्टिक्स यूज करेगा। अब टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, टैक्टिक्स वो होती है, वो स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं जो तुझे तेरे गोल्स को एकम्प्लिश करने में हेल्प करेंगे। अब ये करते हैं टाइम तुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि तुझे 12 हफ्तों के लिए 1 से 3 goals ही सेट करना है, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज 12 हफ्तों में उससे ज्यादा करना समझदारी नहीं है। उसके बाद यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने वीडियो से सीखा था कि यार तुझे ना 12 हफ्ते में गोल अचीव करना है, उसके पीछे कोई स्ट्रांग इमोशनल रीजन तेरे को डालना ही पड़ेगा। जो कि तेरे केस में तो एकदम ईजी है कि तुझे अपना खुद का मे बी घर का रेंट खुद से कमा के बढ़ाना है, लेना है, या फिर दूसरा घर लेना है। फिर तीसरा, तुझे ना यहाँ पे डिटरमाइन करना है हाई वैल्यू वीकली टैक्टिक्स, डेली एक्शंस जो तुझे लेने होंगे अपने गोल के लिए। फिर तुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि तू कौन से हफ्ते में कौन से काम करने वाला है, और तुझे एक छोटा मोटा प्लान भी बनाना पड़ेगा कि अगर वो काम करते टाइम तुझे चैलेंजेस आए तो वो चैलेंज को तू कैसा फेस करेगा। शॉर्ट में कर देना, ठीक। यहाँ पे तुझे कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे, इन बॉक्सेस में तू अपनी टैक्टिक्स, अपने एक्शंस और वीक ड्यू, कौन से वीक तक ये खत्म करना चाहता है, तू उसके बारे में लिख दे। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब आता है थर्ड स्टेप पे, जो है प्रोसेस कंट्रोल। एक विजन होना, प्लान होना बस इतना जरूरी नहीं है गोल अचीव करने के लिए, उसके साथ साथ जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो है विल पावर, या फिर कंसिस्टेंट सेट ऑफ टूल्स और इवेंट्स, इसको सेट करना जो हमें वीकली काम करने में मदद करे। अब कुछ टूल्स है जो तेरी चीज करने में हेल्प करेंगी, जिसमें से पहला टूल है वीकली प्लान। 12 हफ्ते का एक प्लान तूने बना लिया होगा, ठीक है, बट अब तुझे एक वीकली प्लान्स बनाने चालू करने पड़ेंगे, ताकि तुझे मालूम पड़े कि हर दिन तुझे क्या काम करना है। अब यहाँ पे तुझे कोई टू डू लिस्ट नहीं बनानी है, अर्जेंट चीजों को भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिकली सिर्फ वो एक्टिविटीज करनी है, उन कामों को टॉप प्रायोरिटी पर रखना है जो तुझे तेरे 12 हफ्ते के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये हो गया पहला टूल। और दूसरा टूल है तेरा सपोर्ट ग्रुप, मतलब तुझे ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढना पड़ेगा जिनके साथ तू वीकली अपनी अकाउंटेबिलिटी ले सके, जैसे कि तेरे लिए तो मैं हूँ, या फिर तू कोई और लोगों को भी ढूंढ सकता है जिन लोगों के साथ तू वीकली मीटिंग कर सके, जहां पे मकसद ये नहीं रहेगा कि हम एक दूसरे को पकड़े या फिर एक दूसरे को बुरा भला बोले कि तूने ये नहीं किया, बस मकसद ये रहेगा कि हम शेयर कर सके, अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सके कि हम कितना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये हो गया थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो है मेजरमेंट।
अब तक जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए हम जो भी टास्क लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए फीडबैक भी मिलना जरूरी है ना, कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं। उसके लिए तुझे चीजों को मेजर करना पड़ेगा, और मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों को तुझे मेजर करना है, एक लैग इंडिकेटर और लीड इंडिकेटर। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है, देख सुनना। लैग इंडिकेटर क्या होते हैं, जो तेरे एक्चुअल गोल्स हैं, और लीड इंडिकेटर क्या होता है, वो एक्शन जो तू ले रहा है उन गोल्स को पूरा करने के लिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तेरा गोल है कि तुझे 10 किलो कम करना है, तो वो जो तेरा 10 किलो है वो एक एक किलो करके जब कम होगा वो तेरा लैग इंडिकेटर है। लेकिन लीड इंडिकेटर यह रहेगा कि अब वो 10 किलो कम करने के लिए तू क्या क्या एक्शन ले रहा है डेली, तू कितना खाना खा रहा है, कितनी कैलोरीज खा रहा है, हफ्ते में कितनी बार जिम जा रहा है, ये तेरा लीड इंडिकेटर है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि लैग इंडिकेटर, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, ये थोड़ा लैग करते हैं। मतलब तू आज डाइट करेगा, जिम जाएगा, तो तेरा आज 1 किलो कम नहीं होगा, कुछ लैग आएगा, उसके बाद तुझे रिजल्ट दिखेगा। अब यहाँ पे लोग कई बार गलती कर देते हैं, लोग सिर्फ है ना लैग इंडिकेटर को मेजर करने लग जाते हैं कि यार मैं 1-2 दिन से मैं इतना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बट मेरा वेट अभी भी 1-2 किलो कम नहीं हुआ, जिसके वजह से वो डीमोटिवेट होते हैं और फिर कई बार गोल्स तक अचीव नहीं कर पाते हैं। जबकि तुझे क्या करना है, तुझे दोनों को देखना है, तुझे समझना है कि जो लैग इंडिकेटर है वो तो कुछ टाइम बाद आएगा, लेकिन लीड इंडिकेटर तेरा बराबर काम कर रहा है कि नहीं, मतलब तू बराबर डाइट रोज कर रहा है कि नहीं, हफ्ते में 4-5 दिन 6 दिन जिम जा रहा है कि नहीं। जितना तू इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मेजर करते रहेगा, उतना ज़्यादा चांसेस है कि तू 12 हफ्ते में अपने 1 साल के गोल को अचीव कर लेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे सीखने यही मिली थी ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुझे तेरा वेट लॉस करना है, और वेट लॉस करने के लिए तुझे समझ 4 चीज़ करने की ज़रूरत है, डाइट प्लान करना, अच्छी डाइट खाना, जिम जाना, साइकिलिंग करना, उसमें से तू सिर्फ 3 काम कर रहा है डेली, तो मतलब तेरा एग्जीक्यूशन स्कोर जो है वो 75% है। जबकि ऑथर बोलते हैं ना कि अगर आपको चाहिए कि सच में आपको रिजल्ट्स मिले, तो आपको 85% के ऊपर अपने इस स्कोर को रखना चाहिए, और अगर ये कर लोगे तो पक्का पक्का आपको आपके गोल्स अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये था 4th स्टेप, और आता है फिर लास्ट स्टेप जो है टाइम यूज़। देखिए सारी चीज़ें प्लान हो गई है, मेजरमेंट भी चालू हो गया है, लेकिन डेली बेसिस में हमें जो चीज़ पे फोकस करना है वो कि हम अपना टाइम कैसे यूज़ कर रहे हैं। और इसके लिए ऑथर अपने दिन में 3 ब्लॉक बनाने बोलते हैं। 3 ब्लॉक क्या है? पहला है स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, जहाँ पे तुझे एटलीस्ट 3 घंटा हर दिन देना चाहिए अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। फिर दूसरा आता है बफर ब्लॉक, यहाँ पे तुझे 30 मिनट से 2 घंटे देने चाहिए जहाँ पे तू लो वैल्यू की एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कि मे बी शायद मीटिंग करना, या फिर कुछ खरीदने जाना, या फिर बाकी काम जिसमें ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगता है, उसके लिए तुझे डेली 30 मिनट से 2 घंटे निकालने होंगे। और फिर थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो है ब्रेकआउट ब्लॉक, तुझे 3 घंटे एटलीस्ट दिन में निकालने चाहिए जहाँ पे तू कुछ काम नहीं करता है, तू सिर्फ रिलैक्स करता है, अपने ब्रेन को और अपने आप को आराम देता है। अभिषेक है ना टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर डे का चार्ट भी देता है रमेश को, जिसमें वो बोलता है कि देख ये तेरा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का डे है, इसमें तू ये ब्लॉक्स डालना चालू कर। इसमें से 3 घंटे के लिए एटलीस्ट होना चाहिए तेरा स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, 30 से 2 घंटे होने चाहिए लो वैल्यू एक्टिविटी वाला ब्लॉक, और 3 घंटा होना चाहिए ऑफ वर्क। अगर तू बस इस चीज को भी सीरियसली करना चालू करता है तो ट्रस्ट मी ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा, जिससे एक एक करके तेरे सारे छोटे से बड़े गोल अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज कर पाएगा, मेजर कर पाएगा, अपने गोल्स को, अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएगा, अपने प्लान्स को और क्लैरिफाई करके एक्शन ले पाएगा, और एट द एंड अपना जो विजन है उसको पूरा कर पाएगा। इसलिए इस सिंपल चीज़ को ध्यान में रखना। बट इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुझे समझना बहुत ज़रूरी है, वरना बाकी सारी बातें कोई काम की नहीं होगी। क्या है वो बात भाई, वो भी बता दे। द इमोशन साइकिल ऑफ चेंज। देख जब भी अब तू ये सारी चीज़ें करने के बाद जब तू एक्शंस लेने जाएगा ना, तो तू 5 फेजेस से गुजरेगा। मैक्सिमम लोग फेज 3 पे ही दम तोड़ देते हैं, बट तुझे वो नहीं करना है। अच्छे से बताना, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ये देख, ये ग्राफ देख। मैक्सिमम लोग है ना इन 5 फेजेस से गुजरते हैं और 3rd फेज में दम तोड़ देते हैं, जिसे वैल्यू ऑफ डिस्पेयर बोलते हैं। क्या है वो फेज, एक एक करके बताता हूँ। देख फेज 1 में आता है अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। देख एक बार जब तूने डिसाइड कर लिया कि तुझे 5 लाख कमाना है और तू 3 महीने में वो चीज़ करेगा कैसे भी, और उसके लिए तू प्लान बनाएगा, ये सारी चीज़ें करेगा ना, तो तेरे अंदर एक ऑप्टिमिज्म आएगा कि हाँ यार सब हो जाएगा। बट ये जो ऑप्टिमिज्म होगा वो अनइन्फॉर्म्ड होगा। ये ऐसे ही है जैसे कि यार कई बार हम सोचते हैं ना कि यार इस साल तो मैं पक्का जिम जाऊंगा और हर दिन जाऊंगा, हफ्ते में 6 दिन तो पक्का जाऊंगा ही जाऊंगा। मतलब वो बहुत ऑप्टिमिस्ट रहते हैं कि वो चीज़ करेंगे, बट फिर वो लोग 2nd फेज में जब आते हैं, जब वो लोग एक्चुअल में जिम जाना स्टार्ट करते हैं, तब आता है इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। तब उनको एक्चुअल में समझ में आता है कि यार जितना उन्होंने सोचा था कि वज़न कम करना आसान होगा, जिम जाना आसान होगा, उतना आसान है नहीं। उनको रियलिटी चेक मिलता है कि यार डेली जाना बहुत मेहनत लगती है, कितना टाइम निकालना पड़ता है, कितनी एनर्जी जाती है। इसके बाद लोग जब इन लोग को रियलाइज़ होता है, तो वो 3rd फेज में पहुंच जाता है जो है वैली ऑफ डिस्पेयर। यहाँ पे ना
पेन, उन्हें ना हर दिन जाने की तकलीफ होने लग जाती है। उनका जो बेनिफिट है, मतलब जो वेट लॉस करना है, वो बेनिफिट है ना बहुत दूर लगने लग जाता है पेन के कंपैरिजन में। उनको लगता है कि यार पेन बहुत खतरनाक चीज़ है, वो कहीं ना कहीं ये पेन को अवॉइड करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिम जाना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वैली ऑफ डिस्पेयर पे ही ना सारा गेम होता है। जो लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं वो लोग कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अगर तू चाहता है कि तेरा वो जो विजन है वो पूरा हो, तो तुझे यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे तुझे डिसिप्लिन लानी है और यहाँ पे तुझे टिके रहना है। थोड़े टाइम भी तू यहाँ पे टिके रहेगा ना अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली तू कुछ टाइम बाद फोर्थ फेज पे पहुंच जाएगा, जो है इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। अब देख, तुझे सारे नेगेटिव पता चल गया है, जिम जाना है, ये सब करना है, वो सारी चीजें तूने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये तो होगा ही, बट स्टिल मैं जाऊँगा। तो फिर तू आ जाएगा इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म पे। फिर तेरे अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी वो पहली वाली पॉजिटिविटी जैसी नहीं रहेगी, बल्कि ये बहुत पावरफुल पॉजिटिविटी रहेगी। और यहाँ पे भी तूने कुछ टाइम अगर सर्वाइव कर लिया तो फिर तुझे पक्का मिल जाएगा सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। और यही चीज़ कई सारे लोगों के साथ होती है। लोग पहले जिम जाने का सोचते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही जिम जाना चालू करते हैं तकलीफ होने लग जाती है, रियलिटी हिट करती है कि लाइक इतना जाना आसान नहीं है। फिर वो वैली ऑफ डिस्पेयर में आ जाते हैं कि यार बहुत पेनफुल है, गिव अप कर देते हैं। बट यहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं वो लोग फिर भी टिके रहते हैं, तो वो लोग इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म पर पहुंच जाते हैं। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, डाइट करना ही पड़ेगा, और फिर पक्का उनका वेट भी कम होता है और वो हेल्दी भी बन जाते हैं। देख, अगर तू ये बातों को पक्का अच्छे से करेगा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई होप है कि तू अपने गोल अचीव कर लेगा। ये सारी बातें सुन के ना रमेश को एक ऑप्टिमिज्म आता है। तूने जितनी भी बातें बोला है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सही बात है यार। तूने कहाँ से सीखी ये बात है? एक सीकेंड करके चैनल है, वहाँ पे बुक समरी का ऐसे आते रहते हैं, बुक समरी जो बहुत पावरफुल होती है। उन बुक समरी से मैंने भी खुद बहुत सारी चीजें सीखी है और अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाई है। मैं तुझे भी रिकमेंड करूंगा कि वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके देखते रहना। हाँ यार, इंटरेस्टिंग है, मैं तो ये बुक पढ़ूंगा भी। रमेश वो बुक ऑर्डर करता है, बुक पढ़ता है, और आने वाले 12 हफ्ते वो घुस के काम करता है। ऑफिस में काम करता है, बट उसके साथ साथ वो एक अच्छा सा प्लान क्रिएट करता है, विजन क्रिएट करता है, जिसके बेसिस वो एज अ फ्रीलांसर सेम काम जो ऑफिस में करता था उसका ही थोड़ा वेरिएशन वाले काम वो फ्रीलांसिंग में करना स्टार्ट करता है। और देखते ही देखते वो अच्छे क्लाइंट्स बना लेता है। एंड गेस व्हाट, 4 महीने के अंदर वो 5 लाख नहीं बल्कि 8 लाख रुपये कमा लेता है। जो घर उसे छोड़ना था वो अपने ओनर से अच्छे से बात करके, क्योंकि उसने अथॉरिटी ले ली होती है, तो उससे नेगोशिएट करके सस्ते में डील क्रैक भी कर लेता है। प्लस अब जो उसका विजन होता है नेक्स्ट 12 हफ्ते का, वो उसका डबल रेवेन्यू करना होता है, मतलब 16 से 20 लाख रुपए कमाना, जिसकी तरफ वो काम करना स्टार्ट करता है। ये कई सारी बातें जो मैंने बताया है, ट्रस्ट में अगर आप इसको एक्चुअल में 100% अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने बड़े बड़े विजन को कंप्लीट कर ही लोगे। अब जो अभिषेक ने नोट्स बनाया था, अगर आप चाहते हो कि वो आपको एक PDF फॉर्मेट में अच्छे से मिल जाए, तो उसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, हमारा एक बुक क्लब है जहाँ पे हम बुक्स की ऐसी बातें वहाँ पे फ्री में शेयर करते रहते हैं। आप वो लिंक क्लिक करो, हमारा जो बुक क्लब है उसको ज्वाइन करो, वहाँ से जाके वो फ्री PDF आप वहाँ से ले लो। और आई होप आपको ये वीडियो, आज का वीडियो काम का लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। अगर आपके दिमाग में और भी कोई बुक्स है जिसकी समरी आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसी बनाऊँ स्टोरी फॉर्मेट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बस आज का वीडियो तो इतना ही था, बट देखो YouTube के हिसाब से ना ये वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। YouTube का एल्गोरिदम को लगता है कि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, तो वहाँ पे ये वाला वीडियो भी एक बार ट्राई करके देख लो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।